अस्सलाम वालेकुम, अवर पाकिस्तान पॉइंट के साथ मैं हूं राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बल्दिया बोलेगा। आज मैं मौजूद हूं जफ़र इकबाल के साथ जो 6 सितंबर को अपनी ओलंपिक्स स्पोर्ट्स गाला 6 सितंबर को करने जा रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि कौन से जो स्कूल्स हैं वो इनके साथ हैं, कौन से इदारे इनके साथ हैं, इनसे हम पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले कैसे सर, खैरियत से? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मेल्दिया बोलेगा उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारा इंटरव्यू लिया। और सर जी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी जोन के अंदर बेसिकली जो प्रोग्राम हो रहा है स्पोर्ट्स मिनी ओलंपिक गाला हो रहा है, उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट गेम हैं, जैसे कि बच्चों का स्पून बॉल है, टग ऑफ वॉर है, सेक रेस है, अडल्ट रेस है, काफ़ी सारी रेसेस हैं। उसके अंदर हम एक नया मैसेज देना चाहते हैं बल्दिया डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी को। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी में सबसे बड़ा इवेंट 6 सितंबर को फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड में मनाया जाएगा। अच्छा, राणा जो राणा ग्राउंड है उसके अंदर मनाया जाएगा। और उसके अंदर काफ़ी सारे स्कूल्स हैं हमारे पास, जैसे कि शेरशाह से स्कूल आ रहा है, इकबाल पब्लिक, उसके अलावा हमारे पास 24 से DCB स्कूल है। 8 नंबर की तरफ हम जाएंगे तो नूर एजुकेशन है, फिर सर शाकिर का स्कूल है। इस तरह से काफ़ी सारे काफ़ी डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनके नाम मुझे भी नहीं आते, ठीक है। तो माशाल्लाह से हम एक बच्चों के अंदर एक नया मैसेज, और उसके अलावा हमारे साथ माशाल्लाह से पाक रेंजर के लोग भी हैं जो हमारे पास चीफ गेस्ट बन के आएंगे। और इस प्रोग्राम को हमने सियासी नहीं करना। अच्छा। इस प्रोग्राम को जस्ट हमने एजुकेशनल के हिसाब से करना है और एक नया मैसेज लोगों को देना है, क्योंकि ज़्यादातर इसके अंदर लोग, आपने नोट किए होंगे कि काफ़ी सारे लोग मतलब पार्टी के लोगों को बुलाते हैं, इन्वॉल्व करते हैं और पूरा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाता है। उसमें ये होता है कि बेनिफिट हर पार्टी वाला आके वो ले जाता है, ठीक है। कोई भी पार्टी का हो, मरल हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करते, हम जस्ट अपने स्पोर्ट्स को एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं। और हम जो एसोसिएशन चला रहे हैं किक बॉक्सिंग, जो सिंध से और पूरे पाकिस्तान से एफिलेटेड है, ठीक है, उसके लोग हैं हमारे साथ, और सिंध किक बॉक्सिंग का लोगो हमारे हम यूज़ कर रहे हैं, और बाकायदा जो हम गेम्स करवाने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह एक ऐसा प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आपको क्या बताऊँ। दूसरी बात आपको मज़े की ये बताना चाहूँ कि इसके अंदर कोई मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। अच्छा जी, तो लिहाजा स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, ये जो वीडियो बन रही है इनमें मैसेज देना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो कुतुफुल्ला साहब हैं, उनको हमने काफ़ी जगह हेडलाइट भी किया, सिंध बलूचिस्तान का इवेंट कराया, अपने फंड से करवाया, उसके अलावा काफ़ी सारे इवेंट्स कराए वो अपने फंड से करवाएं। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जस्ट मतलब हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी को भी सपोर्ट करें। अच्छा, अब मैं जफर भाई एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि डिफरेंट स्कूल अगर आपसे कॉन्टैक्ट करें पार्टिसिपेशन के लिए, क्या सिलसिला है, किस तरह वो आपके आपसे रब्ता कर सकते हैं, और पार्टिसिपेशन की कोई फीस वगैरह ये चीज़ें? सर अभी तो हमने पार्टिसिपेशन के लिए सिर्फ हर स्कूल से हम 50 बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस 50 बच्चों में 2 टीचर जाके हमारे खुद जाते हैं, उन बच्चों को तैयार करते हैं, तमाम स्पोर्ट्स का सामान हमारे पास होता है। और आपको पता है कि आजकल एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना तो जाहिर सी बात है पेट्रोल है, फिर खर्चे हैं, अखराजात हैं। मैं ख़ुद भी कोई इतना बड़ा मालदार नहीं हूँ, किराए के घर हैं मेरे, ठीक है। तो मतलब ये गेम जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स लवर हूँ मैं, बड़े मुश्किल से ऊपर तक आया हूँ। आज सिंध का सेक्रेटरी हूँ तुवाई का, और किक बॉक्सिंग का कराची का सेक्रेटरी हूँ, और इसी तरह से माशाल्लाह से अल्लाह पाक मुझे आस्था वक्तन पर वक्तन मुझे प्रमोट होता जा रहा हूँ। तो जो हमने फीस इसके लिए रखी है वो 10,000 रुपीज़ फीस है पर स्कूल 10,000 जी। अच्छा। तो 10,000 रुपीज़ कोई मायने नहीं रखती, 50 स्कूल मतलब एक स्कूल से 50 बच्चे। अच्छा, तो उन 50 बच्चों को तैयार करना, उन 50 बच्चों को मेहनत करवाना, ठीक है। इसके अंदर हमने मार्शल आर्ट की एक फाइट रखी है, इसके अंदर हमने की बॉक्सिंग की गर्ल्स की फाइट रखी है, जो तमाम स्कूल्स के बच्चे आए होंगे एक अच्छा मैसेज देखने को मिलेगा, एक अच्छा स्पोर्ट्स जिंदाबाद। जी ये थे हमारे जफर इकबाल, मिनी स्पोर्ट्स गाला ओलंपिक्स गाला 2022 का ये 6 सितंबर को करने जा रहे हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, आपके गाँव का तलबदार आशीर्वाद।